हेलो नमस्ते खम्मा गणी देवी और सज्जनों। तो दोस्तों आज आप लोगों के लिए ला चुका हूं मैं रिव्यू टाटा नेक्सॉन काजीरंगा एडिशन। तो यहां पे जो आपको दिख रहा है वो है टाटा नेक्सॉन का काजीरंगा एडिशन। इसका एक डिटेल वॉक अराउंड करूंगा मैं और बहुत सारी खास चीजें इसके अंदर है। वेंटिलेटेड सीट तक टाटा ने प्रोवाइड कर दी है काजीरंगा एडिशन के अंदर। तो भाई शुरू से एंड तक देखोगे तभी जाके आपको क्लियरिफाई हो पाएंगे डाउट, और एंड में एक फाइनल वर्डेड दूंगा आप लोगों को। उसमें मैं ये चीज बताऊंगा कि आपको टाटा नेक्सॉन काजीरंगा में जाना चाहिए या फिर थोड़ा रुक जाना चाहिए और वेट करना चाहिए टाटा नेक्सॉन डार्क एडिशन का जिसमें काजीरंगा की फीचर आ जाए। तो मेरे हिसाब से चालू करना चाहिए वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों सबसे पहले चालू करेंगे अपनी की के साथ। तो यहां पे अपने को दिख जाएगी नेक्सॉन की, आप अच्छे से देख सकते हो लॉक अनलॉक, और यहां पे अपने को हेडलैम्प का स्विच देखने में मिलेगा, फॉलो मी हेडलैम्प का। तो इसको अगर ऑन करेंगे तो यहाँ पे फॉलो मी हेडलैम्प आपको ऑन होते हुए दिख जाएंगे गाड़ी के अंदर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अपने को ये DRL देखने को मिलेगा। ये ड्यूल फंक्शन DRL है, ये टर्न इंडिकेटर जैसे भी ट्रीट करता है वो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे अपने को प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा जो कि येलो कलर की बीम प्रोड्यूस करता है। हैरियर में यहाँ पे ज़ेनॉन HID हेडलैम्प हो जाता है। उसके पास में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को हाई बीम के लिए एक बल्ब दे रखा है। नाइट विजिबिलिटी एंड ऑल में नेक्सॉन वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट देखने को मिलेगी। नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को फॉग लैम्प देखने को मिलेगा। फॉग लैम्प की बात करें इसमें कॉर्नरिंग फंक्शन आपको देखने को मिलता है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है और ये जो है बहुत अच्छा दिखेगा आपको इन नेचर। अब उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए ग्रिल किस तरह की अपने को देखने को मिल रही। तो यहाँ पे अपने को पूरी ग्रिल देखने को मिलेगी गाड़ी की पूरी की पूरी पियानो ब्लैक फिनिश के अंदर देखने को मिलेगी। यहाँ पे पियानो ब्लैक टच आप देख सकते हो किस तरह से कर रखा है। पियानो ब्लैक टच जो है गाड़ी के अंदर बेहतरीन देखने को मिलता है। और तो और नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे अपने को फाइबर टच देखने को मिलेगा गाड़ी में। ये पूरा का पूरा जो है, आप एक बार साउंड सुनिए, तो ये पूरा अपने को जो है ये फाइबर टच दे रखा है। तो ये फाइबर टच जो होता है वो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि नीचे की तरफ अगर अपनी गाड़ी कभी झाड़ियों गाड़ी से लगी तो पियानो ब्लैक में तो वो दिख जाएंगे स्क्रैचेस, इसमें नहीं दिखेंगे, तो वो बेहतरीन चीज है। ऑफ रोड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ये चीज करी गई है। एक और चीज मेरे को जो अच्छी लगती है वो ये है कि जब आप इसके फॉग लैम्प देखोगे तो फॉग लैम्प के जो साइड में कॉर्नर्स में आप देखोगे तो यहाँ पे भी अपने को पियानो ब्लैक टच देखने को मिलेगा, और इसके पास में जो है वो फाइबर पार्ट दे रखा है। और टाटा का बिल्ड आप जानते ही हो, नेक्सॉन एक 5-स्टार सेफ्टी रैंकिंग वाली गाड़ी है, तो बिल्ड में तो भाई बात ही नहीं आती है कुछ बोलने की। और यहाँ पे अभी सारे के सारे जो ग्रिल है यहाँ पे ट्राई एरो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ये ट्राई एरो दिख रहा है, यहाँ पे फिर से ट्राई एरो दिख रहा है। तो ट्राई एरो जो स्ट्रक्चर है ये अपने को नेक्सॉन सफारी दोनों में कंटिन्यू दिखेगा। नीचे की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पे भी एक अलग तरह का टेक्सचर देखने को मिलेगा। नीचे की तरफ जब आप देखोगे तो ये वाला एक अलग सा ट्राइंगल जैसा स्ट्रक्चर है, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए, वो आपको दिखाना था मेरे को। और अपन बात करें तो जब पास में साइड में आ जाओगे आप गाड़ी के तो इस साइड में आप देख लीजिए यहाँ पे अपने को नेक्सॉन लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ब्रांडिंग में बहुत अच्छे से काम करती है टाटा, नेक्सॉन लिखा हुआ दिख रहा है आपको पूरा का पूरा डार्क के अंदर, वो भी अच्छा दिखता है। नीचे की तरफ अपने को अलॉयज देखने को मिलेंगे, ये वाले जो है अपने को जेट ब्लैक अलॉय देखने को मिलेंगे, और इसके अलॉय की लुकिंग मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। ब्रिज स्टोन के टायर देखने को मिलेंगे, और डिस्क भी अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसमें जो है बेसिकली फ्रंट के 2 व्हील्स में डिस्क देखने को मिलेगा, रियर के 2 व्हील में ड्रम देखने को मिलता है। टाटा की सबसे प्रीमियम गाड़ी की बात करें वहां पे भी यही चीज फॉलो अप होती है, तो ऑब्वियसली बात है नेक्सॉन में ये चीज होनी ही है। ये वाला जो है आप देख सकते हो रायनो का लोगो, ये काजीरंगा एडिशन में आपको देखने को मिलेगा। भले ही आप हैरियर ले लो, नेक्सॉन ले लो, कोई भी ले लो, सफारी ले लो, ये वाला आपको जो है ये काजीरंगा एडिशन को ही डिनोट करता है। अब अगर इसका मैं ये खोलूंगा तो आपको पता चलेगा काजीरंगा एडिशन जो है वो बेसिकली ड्यूल टोन के साथ डील करता है। यहाँ पे आप देख लीजिए यहाँ पे ब्लैक है, उसके रूफ जो है पूरी की पूरी ब्लैक में देखने को मिलेगी, और इसके नीचे की तरफ अगर अपन बात करें तो पूरा का पूरा अपने को गोल्ड कलर देखने को मिल जाएगा। ये काजीरंगा के लिए ही स्पेशली कलर लॉन्च हुआ है। और एक और चीज मेरे को जो अच्छी लगती है वो ये है कि यार गोल्ड के अंदर इन्होंने ब्लैक टचेस डाले गाड़ी में, जैसे यहाँ पे आप देखिए ये पूरा अपने को ब्लैक टच के अंदर देखने को मिल गया। ऊपर वाला जो है वो तो अपने को पूरा ब्लैक कलर दिख ही रहा है, और नीचे की तरफ अगर अपन ये बात करें तो ये भी एक फाइबर ब्लैक टच देने की कोशिश की है इन्होंने, जिससे गाड़ी जो है ज्यादा ऑफ रोड केपेबल दिख जाए। नीचे की तरफ अगर अपन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे अपने को 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है जो कि सबसे ज्यादा है पूरे के पूरे सेगमेंट में, वो भी बहुत अच्छी चीज होती है। इसके अंदर की हाईलाइटिंग पॉइंट्स भी है इंटीरियर में, तो इंटीरियर में आते टाइम अपन कवर करेंगे। अभी अपन चल लेते हैं रियर प्रोफाइल की तरफ। तो यहाँ पे आ जाते हैं अपन रियर प्रोफाइल में। रियर प्रोफाइल में अगर अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पे अपने को इसका हेडलैम्प देखने को मिलेगा। मैं अगर बोलूं भाई सच्ची में इसकी जितनी तारीफ करूं हेडलैम्प की उतनी कम है, क्योंकि नेक्सॉन का पुराना हेडलैम्प मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और ये वाला हेडलैम्प जो है एक तरह से एकदम अलग सा हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा। अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को बल्ब भी देखने को मिलेगा, ये पूरा हेडलैम्प देखने को मिलेगा, और नीचे की तरफ अपने को रिवर्स लाइट वगैरह देखने को मिल जाएगी, तो वो बेहतरीन लगता है मेरे को ये चीज। और इसकी बूट खोलू उससे पहले आपको दिखा देता हूं यार नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ ये वाला जो है पूरा का पूरा फिर से फाइबर टच देखने को मिलेगा, और ये ड्यूल टोन का ट्रीटमेंट कर रखा है। यहाँ पे ये फाइबर दिख रहा है आपको, और ये ग्रे स्टोन दे रखी है नीचे की तरफ, या ग्रे स्टोन और यहाँ पे ब्लैक टोन, तो ये दो अलग तरह का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे फिर से ट्राई एरो स्ट्रक्चर आपको फॉलो अप दिखेगा इस साइड में,
इस साइड में भी सेम ट्रायरो स्ट्रक्चर आपको फॉलोअप होता हुआ दिखेगा। पार्किंग सेंसर भी यहाँ पे लगे हुए, आप देख सकते हो पार्किंग सेंसर लगे हुए हैं। और अब इसकी बूट खोलने का टाइम आ गया, उससे पहले ये नेक्सॉन देख लीजिए आप, पूरा का पूरा अपने को ब्लैक कलर में नेक्सॉन लिखा हुआ दिख रहा है। ये जो है मेरे को यार पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और इसका रियर कैमरे की बात करें तो इस साइड में आपको रियर कैमरा देखने को मिलेगा, तो वो भी चीज दिख जाती है। एक और जो कि होते हैं अपने बेसिकली ईस्टर एग्स, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आपको ईस्टर एग देखने को मिलेगा। जो इसकी विंडो है, विंडो एरिया के यहाँ पे आपको बेसिकली शेर देखने को मिल जाएंगे भाई दो। तो ये पूरा ईस्टर एग था अपनी गाड़ी के अंदर, तो वो बताने की जरूरत थी वो आपको मैंने बता दिया। वोकल फॉर लोकल सारे के सारे टाटा गाड़ियों में आजकल फॉलोअप हो रहा है, तो वो भी बहुत बेहतरीन चीज है। और एक और अपन बात करें ऊपर की तरफ, अपन देख लेते हैं इसकी रूफ, तो रूफ भी आप देख लीजिए किस तरह की देखने को मिल रही है, कंप्लीट ब्लैक में देखने को मिलेगी। और यहाँ पे ये जो इसका शार्क फिन एंटीना है वो भी कंप्लीट अपने पियानो ब्लैक टच के अंदर देखने को मिल जाएगा। अब खोल देते हैं भाई बूट, चार बार बोल दिया बूट खोल रहे तो खोल ही देते हैं। तो ये बूट इसकी खोल दी है। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस देख लीजिए आप, 350 लीटर की आपको स्पेस देखने को मिल जाएगी, वन ऑफ द बेस्ट इन द सेगमेंट अपन कह सकते हैं। और ऑब्वियस ही बात है यार, अभी इतनी ज्यादा स्टोरेज आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी, वो भी बात आ जाती है अपनी। इसमें जो है बेसिकली 60-40 स्प्लिट सीट्स देखने को मिलेगी। आप देख सकते हो ये वाला जो है ये 60 स्प्लिट होगी, यहाँ से अपनी 40 स्प्लिट और हो जाएगी फर्दर, तो वो बहुत अच्छी चीज है। और इसके जब अपन सीट को स्प्लिट कर देते हैं तो पूरा एक फ्लैट स्टोरेज बन जाता है इसकी सीट को स्प्लिट करने के बाद। और यहाँ पे जो है इस साइड में आप देख लीजिए, एक केबल के लिए दे रखा है यार इस साइड में भाई, ये मेरे को भी समझ नहीं आया क्यों दिया। तो यहाँ पे अपने को एक दे रखा है जो अपना एक होता है इस साइड में, ताकि आप कुछ को आपको चार्ज वार्ज करना हो तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे एक आपने पिन लगा दी और यहाँ पे फोन रख दिया चार्ज करने के लिए, तो वो भी बहुत अच्छी चीज है यार। प्रैक्टिकलिटी जो है टाटा बढ़ाते जा रहा है तो वो भी हो जाता है। अब दोस्तों आ जाते हैं गाड़ी की इंटीरियर में, तो भाई यहाँ पे आ गए और बैठ गए हैं इंटीरियर में। तो भाई बैठा हुआ हूं मैं हूं 6'2" का। और एक बार कर लेते डोर को क्लोज, तो भाई डोर को क्लोज होते आप समझ गए होंगे बिल्ड के बारे में। टाटा नेक्सॉन जो है 5-स्टार सेफ्टी रैंकिंग के साथ आती है, बिल्ड की बात तो वहीं खत्म हो जाती है। और दूसरी चीज ये कि इसका जो आप साउंड सुनोगे डोर बंद होने का, वो भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे अभी मैंने खोला तो देखो एक रिजिड बिल्ड आपको यहां पे ही देखने को मिल जाएगी गाड़ी में, वो बेहतरीन लगती है। अब गाड़ी में जब आप बैठे होते हो तो बेसिकली बहुत अच्छा स्टांस देखने को मिलता है। आगे बोनट विजिबिलिटी की अगर अपन बात करें तो सामने देव भाई अपने को बोनट दिखा देगा, तो देव यहां पे अपने को बोनट दिखा रहा है, तो बोनट विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है गाड़ी में, एक कमांडिंग पोजिशन आपको देखने को मिल जाती है। और गाड़ी का इंटीरियर एक बार अपन दिखा देते हैं आपको, तो यहां पे अपना कैमरा रख देते हैं और गाड़ी का इंटीरियर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे अपना गाड़ी का इंटीरियर आपको दिख रहा होगा, कुछ इस तरह का देखने को मिलता है गाड़ी का इंटीरियर। आप ये चीज देख लीजिए, पूरा बेहतरीन देखने को मिलेगा। सारे की बिल्ड एंड क्वालिटी वगैरह सब की बात करें अपन तो बहुत अच्छा देखने को मिलता है यहाँ पे अपने को। इस साइड में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपने को फिर से 6-स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलता है। ये गाड़ी जो है अपने को बेसिकली दो इंजन ऑप्शन में देखने को मिलती है, पेट्रोल एज वेल एज डीजल। और अगर अपन बात करें ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक अपने को केवल पेट्रोल में देखने मिलेगा, डीजल में कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन ही देखने को मिलता है। और अगर अपन बात करें इसके कितने इंजन का टॉर्क एंड डायमेंशन वगैरह की बात करें, तो वो आपको स्क्रीन में लिखा हुआ दिख रहा होगा क्या इसका टॉर्क रहता है, क्या इसकी पावर रहती है वगैरह। अब की फीचर्स की बात कर लेते हैं जो कि काजीरंगा में देखने को मिलती है, वो ये है। यहाँ पे आप देख लीजिए, ये पूरा वुडन फिनिश देखने को मिलेगा आपको नेक्सॉन के अंदर, ये बहुत बेहतरीन दिखता है। और मेरे हिसाब से ये जो इसकी लुकिंग जो है इसको काफी हद तक एनहांस कर देता है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पूरा का पूरा फॉलोअप होता हुआ, ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। और अपन बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पे नेक्सॉन लिखा हुआ है भाई, है जो पियानो ब्लैक टच है इसके पास में यहाँ पे नेक्सॉन लिखा हुआ दिख जाएगा आपको, तो वो बेहतरीन चीज देखने को मिलती है। यहाँ पे अगर अपन बात करें इसका जो टच रिस्पॉन्स वगैरह की बात करेंगे तो वो बहुत अच्छा लगता है। नेक्सॉन में अभी अपने को बेसिकली वॉट 3 वर्ड की भी फीचर देखने को मिल गया है, वॉइस कमांड फीचर वगैरह अपने को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। तो ये फीचर लोडेड गाड़ी बहुत अच्छी है यार। अपनी पार्क असिस्ट देख लेते हैं अपन, तो पार्क असिस्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पार्क असिस्ट में जो इसकी बेसिकली यहाँ पे गाइडलाइन है, ये बेसिकली अपने को हैरियर जैसे नहीं देखने को मिलती, जो होता है ना पीछे एक होती है अपनी, पहले ग्रीन होती है फिर येलो होती है फिर रेड होती है, तो वो वाली जो गाइडलाइन है मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। यहाँ पे आपको वो वाली गाइडलाइन नहीं देखने को मिलेगी, तो वो भी इशू हो जाता है, अदरवाइज कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे जैसे कि पीछे ये जाके आ रहा है तो फिर वो चीज अपने को पता चल गई। अब इसको अपन हटा देते हैं और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जो सारे के सारे कंट्रोल है, ये सारे के सारे जो है आपको एसी कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ पे अच्छे से देख लीजिए, एक्सप्रेस कूल ऑप्शन दिखता है। जैसे आप एक्सप्रेस कूल ऑप्शन को अगर आप ऑन करोगे तो यहाँ पे हो गया एक्सप्रेस कूल ऑन, और विंडो जो है वो रोल डाउन होने लग जाएगी आपकी। तो जैसे एक्सप्रेस कूल को मैं ऑन करूंगा तो फिर मेरी विंडो रोल डाउन होती है। यहाँ पे लिखा जाता है एक्सप्रेस कूल,
और इसको बंद कर देते हैं, एक्सप्रेस कूल की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत अच्छी चीज है भाई। गाड़ी में बैठते अगर आपको ठंडी चाहिए तो एक्सप्रेस कूल आपके बहुत ज्यादा काम आने वाला है। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा, बेहतरीन बिल्ड के साथ देखने को मिलता है। इस बटन की क्वालिटी एंड ऑल भी आपको अच्छी देखने को मिलेगी। इस साइड में अगर अपन आएंगे तो यहाँ पे इसको खोल सकते हैं अपन। यहाँ पे अपने को एक टाइगर देखने को मिलता है भाई, यार ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी चीज लगती है टाइगर वगैरह का। और यहाँ पे अंदर की तरफ अगर आप स्पेस देखोगे तो भाई हैरियर वगैरह सब फेल हो जाती है इसकी स्पेस के सामने, जो यहाँ पे इन कैबिन स्पेसिंग है और इन कैबिन लाइटिंग जो अपने को देखने को मिलती है वो डेफिनेटली बहुत बेहतरीन देखने को मिलती है। ऊपर की तरफ भी आपको अच्छा सा मैगजीन होल्डर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप छोटी मोटी मैगजीन वगैरह रख सकते हो। ज्यादा यूटिलिटी नहीं पर अच्छी खासी यूटिलिटी ला ही सकता है। और अपन बात करें तो ये वाली जो सीट्स है, बेसिकली जो अपनी फ्रंट की दोनों सीट्स है, ये वेंटिलेटेड के ऑप्शन के साथ आने लग गई है, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा। उससे पहले आपको यहाँ पे सारी चीजें दिखा देते हैं। तो यहाँ पे अपने जो है बेसिकली ORVM का कंट्रोल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप राइट साइड को ORVM सेट कर सकते हो, यहाँ पे लेफ्ट साइड का कर सकते हो, तो वो बेहतरीन चीज है। जैसे मैंने राइट का कर दिया तो राइट का मैं ORVM सेट कर सकता हूँ। और बात करें यहाँ पे अपने को बेसिकली पियानो ब्लैक टच देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अपने को चारों पावर विंडो के स्विचेस देखने को मिल जाएंगे। अगर बात करें अपन स्पीकर की तो एक स्पीकर अपने को यहाँ देखने को मिलेगा, एक और स्पीकर अपने को यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे अपने को कैमरा, यहाँ पे अपने को अम्ब्रेला होल्डर देखने को मिलता है कुछ इस तरफ। इस साइड में आप अम्ब्रेला रख सकते हो, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप अम्ब्रेला रख पाओगे, यहाँ पे आप बॉटल रख पाओगे और वहाँ पे फिर से एक बॉटल रख पाओगे। तो भाई बॉटल होल्डर अपने को देखने को मिल जाएगा, एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज देखने को मिलेगी। ये पूरा जो है अपने को देखने को मिलेगा पियानो ब्लैक टच। पियानो ब्लैक टच की एक सबसे घटिया बात ये कि अगर इसमें आपने पसीने के हाथ वाथ लगा दिए तो आपके निशान बन जाएंगे हाथ के। यहाँ पे आप देख लीजिए आपको निशान दिख रहे होंगे, तो इसको मेंटेन रखना हल्का सा मुश्किल हो जाता है। इसका स्टीयरिंग जो है मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे आप देख लीजिए कुछ इस तरह का स्टीयरिंग दिखने को मिलेगा। सबसे अच्छी चीज जो मेरे को लगती है वो ये लगती है टाटा की, जो टाटा का अपना लेदर टच है वो आप देख लीजिए। यहाँ पे लेदर का जो टच कर रखा है, जो लेदर की स्टिचिंग कर रखी है, मेरे को पर्सनली अच्छी लगती है। और जो मटेरियल यहाँ पे यूज करा गया है वो भी मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे को बहुत अच्छी चीज लगती है। यहाँ पे भी आपको एम्पल अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम वगैरह देखने को मिल जाएगा, जो कि मैंने पहले भी कवर आउट कर लिया है। कंफर्म फुली डिजिटल देखने को मिल जाएगा अपने को। RPM मीटर एज वेल एज अपने को यहाँ पे फ्यूल इंडिकेशन जो है वो भी फुली डिजिटल देखने को मिल जाएगा। इंजन की हीटिंग वगैरह भी यहाँ पर ऊपर की तरफ देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी इंडिकेशन आप देख सकते हो किस तरह के देखने को मिलते हैं अपने को। अब वेंटिलेटेड सीट्स की बात कर लेते हैं अपन। तो भाई यहाँ पे एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है इस साइड में आप देख लीजिए, यहाँ पे अपने को वेंटिलेटेड सीट देखने को मिलेगी। तो ये जो है तीन में अगर मैं कर दिया तो यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट अपनी ऑन होते हुए दिखेगी। तो ये देख लीजिए, ये जैसे ही मैंने कर दिया तो यहाँ पे सीट फूलती हुई दिख रही है अपने को। तो ये अपने को वेंटिलेटेड सीट के बारे में बता रही है। कुछ कुछ लोगों को थोड़ा बहुत रिमाइंडर दे देते हैं भाई, वेंटिलेटेड सीट जो होती है वो उसका मतलब ये होता है कि सीट के अंदर से हवा निकल रही होती है। और ये चीज ध्यान रखना, जब भी आप अपने वेंटिलेटेड सीट लगा रहे हो गाड़ी में तो फिर आप कोई अलग से लेदर का कवर वगैरह मत लगाना। काफी कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती वेंटिलेटेड सीट वगैरह क्या होती है। गाड़ी खरीदते हैं और क्या करते हैं यार, इसके ऊपर कवर लगा देते हैं। वेंटिलेटेड सीट का मतलब भी क्या रहा जब आपने इसके ऊपर सीट कवर और लगा दिया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पूरी पूरी लेदर सीट देखने को मिलेगी, बहुत अच्छा फैब्रिक है, बहुत ही कंफर्टेबल फैब्रिक देखने को मिलेगा और अच्छा अमाउंट ऑफ कूलिंग देता है ये। यहाँ पे जो आपको बेसिकली होल्स दिख रहे हैं इससे अपने को कूलिंग का इफेक्ट देखने को मिलेगा और बेहतरीन इफेक्ट देखने को मिलेगा। स्पेसिंग वगैरह से बात करें उससे पहले आपको तीनों मोड दिखा देते हैं। गाड़ी में तीन मोड आते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट्स मोड। और यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगी अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस। तो यहाँ देख लीजिए, दो छोटे छोटे कप होल्डर रख सकते हो आप। यहाँ पे एम्पल अमाउंट ऑफ स्टोरेज स्पेस दिखेगी और यहाँ पे अपने को हैंड ब्रेक देखने को मिलेगा गाड़ी का। हैंड ब्रेक की अगर अपन बात करें, एक और सबसे अच्छी चीज वो ये है कि हैंड ब्रेक तक यहाँ पे पियानो ब्लैक टच के अंदर देखने को मिलता है, वो बेहतरीन लगता है मेरे को। अब रियर सीट्स की अगर अपन बात करें तो रियर सीट आपको दिखा देते हैं। आगे वाली सीट पूरी मेरे हिसाब से एडजस्ट है, मैं एकदम कंफर्टेबली बैठ पाऊँ उस तरह से। अब पीछे अगर मैं बैठूंगा उससे पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे अपने को फिर से सेम टू सेम वैसा का वैसा ही ट्रीटमेंट देखने को मिलता है जैसा अपने को पहले देखने को मिला था। कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे भी अपने को दो स्पीकर देखने को मिलेंगे, एक अपने को स्पीकर मिलेगा, एक ट्यूटर देखने को मिलेगा। सारे के सारे डोर में वो चीज फॉलोअप हो जाती है। अब रियर सीट में अपन बैठते हैं। आगे वाली सीट मेरी फुल्ली कंफर्टेबल मूड के अकॉर्डिंग सेट है। तो भाई 6-2 वाले बंदे अगर यहाँ पे पीछे की तरफ बैठेंगे तो भी ठीक ठाक स्टोरेज स्पेस है, ऐसा नहीं है कि खराब स्पेस देखने को मिलेगी। इस साइड में अगर आएंगे तो अपन यहाँ अपने को यहाँ पे एसी वेंट देखने को मिलेंगे, दो एसी वेंट देखने को मिलेंगे और अच्छी खासी कूलिंग वगैरह भी कर देते हैं ये, तो वो कोई दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पे साइड में भी फिर से अपने को पियानो टच देखने को मिलेगा। इस साइड में अगर आप आओगे फिर से पियानो टच वगैरह देखने को मिलेंगे। और एक और चीज बहुत अच्छी लगी हुई है कि यार यहाँ पे जो इसका डोर हैंडल है ये भी पूरा पियानो ब्लैक टच के अंदर देखने को मिलता है। तो भाई पियानो ब्लैक टच मेरे को पर्सनली अच्छा लगता है। बस एक ही चीज खराब लगती है पियानो ब्लैक टच की, वो ये है कि यार इसमें अगर आपके पसीने के हाथ है तो वो दाग रह जाते हैं। मैंने पहले आपको वो चीज कवर कर ही ली है। और बात करें, यहाँ पे अपने को सनरूफ देखने को मिलेगी और यहाँ से आप पूरा इंटीरियर देख लीजिए किस तरह का दिखता है, तो इंटीरियर भी आपको बेहतरीन देखने को मिलेगा। तो वो बात आ जाती है यहाँ पे।
ये अपन वाइड एंगल व्यू में देख लेते किस तरह का इंटीरियर है, और अब देख लेते नॉर्मल एंगल व्यू में, तो वो बेहतरीन देखने को मिलता है। इस साइड से अगर अपन आए तो यहाँ पे अपने को देखने को मिल जाएगा कि रूफ के ऊपर का स्पेस, तो भाई यार सनरूफ के ऊपर भी आप जा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को, पर यही है कि यार भाई सनरूफ इसकी ऐसी नहीं है जिस हिसाब से आप ज़्यादा कुछ कर पाओ। अब भाई एक बार आपको दिखा देते हैं यहाँ पे, तो मेरे पास हेडरूम जो है वो भी एम्पल अमाउंट का हेडरूम देखने को मिलता है, मतलब 3-4 इंचेस का मेरे पास हेडरूम देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से ये हेडरूम जो है मोर देन इनफ होता है, और जितनी भी गाड़ी आ रही है उसके हिसाब से अच्छा खासा हेडरूम देखने को मिल जाएगा। और अगर अपन बात करें हेडरूम के बाद, मेरा नी रूम तो आपने चेकआउट कर ही लिया था, एक चीज़ अच्छी लगती है वो यह है कि इसमें आर्मरेस्ट देखने को मिलता है, तो जैसे ही मेरे पास आर्मरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो यहाँ पे आर्मरेस्ट लगा हुआ है मेरे पास, और फिर अगर अपन बात करें तो यहाँ आर्मरेस्ट लगा हुआ है, मैं अच्छे खासे आर्मरेस्ट के साथ बैठ सकता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो वहाँ पे बेहतरीन चीज़ रह जाती है। एक बार इसको वाइड एंगल से अपन हटा देते हैं, और आपको एक और चीज़ बता दूँ, वो ये है यहाँ सामने की तरफ अगर आप देखोगे तो ये वाला जो है अपने को ऑटो डिमिंग IRVM देखने को मिलेगा। ऊपर की तरफ अगर अपन बात करें जो लाइट का वहाँ पे दे रखा है वो भी अच्छा खासा कंसोल दे रखा है भाई, और वो क्वालिटी डिग्रेड नहीं करी है वहाँ पे, क्वालिटी लेवल्स का ध्यान रखा है, वो मेरे को अच्छी चीज़ लगी। वैनिटी मिरर आपको वहाँ पे उस साइड में देखने को मिल जाता है, वैनिटी मिरर भी आपको दिखा देंगे अगर आप, आपको भी दिखाई देते हैं लगे हाथ, तो वैनिटी मिरर आपको दिखाते हैं अभी। यहाँ पे आ गए अपन, इसको करेंगे नीचे और दिखा देते हैं आपको वैनिटी मिरर। तो वैनिटी मिरर यहाँ पे ट्रांसल्यूसेंट देखने को मिलेगा, हैरियर वगैरह जैसा वैनिटी मिरर नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पे, कह सकते हैं हल्की बहुत क्रॉस कटिंग करी है, अदरवाइज कहीं भी गाड़ी में, पूरी की पूरी गाड़ी में कहीं भी क्रॉस कटिंग नहीं करी है, ये चीज़ मैं कहूँगा। और यहाँ पे अपने को AQI देखने को मिलेगा स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे आप अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे AQI लिखा हुआ आ रहा है, मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह के भी फीचर देखने को मिल रहे हैं अपने को गाड़ी के अंदर। अब दोस्तों समय आ चुका है आप लोगों को फाइनल वर्डिक्ट देने का कि यार मैं इस समय काजीरंगा एडिशन खरीदूं नेक्सन का या फिर कोई और एडिशन में जाऊं, तो आपको मैं यही बोलूंगा बेसिकली काजीरंगा एडिशन जो है वो ज्यादा प्राइस प्रीमियम के साथ देखने को मिल रही है, भले ही ज्यादा फीचर दिख रही है लेकिन ज्यादा प्राइस प्रीमियम देखने को मिल रहा है। आप पे ये डिसीजन रहेगा कि आपको प्राइस प्रीमियम ज्यादा देनी है या फीचर ज्यादा देने हैं, दोनों में से आपको एक चीज पिकअप करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसीजन लेना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आज भी नेक्सॉन के जो बेस एंड वेरिएंट जो होते हैं, जो कि XM वेरिएंट है, वैल्यू फॉर मनी देखने को मिलता है, बचे हुए वेरिएंट जो है वैल्यू फॉर मनी नहीं है। काजीरंगा में आपको फीचर जो है शायद वैल्यू फॉर मनी बना दे, लेकिन अभी भी मैं कहूंगा नहीं वैल्यू फॉर मनी, बट ऐसा कह सकता हूं मैं कि काजीरंगा एडिशन के जो फीचर है वो वर्थ एप्रिशिएबल है, और जो भी फीचर्स में एड ऑन करे हैं टाटा की तरफ से वो ऐसे फीचर है जो कि चाहिए ही थे अपनी गाड़ी के अंदर, क्योंकि सारी गाड़ियां जो है कॉम्पिटिशन में वेंटिलेटेड सीट वगैरह के साथ आई रही थी, तो यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे ये चीज देके बेहतरीन काम करा। तो मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा आपको वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, और ये जो वीडियो शूट है ये हो रहा है SP टाटा मोटर्स में, उसके भी यार उधर जाके भी एक बार विजिट कर लेना अगर आप उदयपुर से खरीदना चाहते हो तो गाड़ी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।